So here are five more videos in the comment box. All the best all of you. Practice uh, 10,000 MCQs join every day. Please watch till the end. Now, let's start today's MCQ series. Fill in the blank. Renisa thinkers strongly associated themselves with the value of dash Catholicism, Medieval Europe, classical antiquity, Protestantism. So your right answer is C classical antiquity. ग्रीक थिएटर टू प्लेस वेयर लार्ज हिलसाइड एम्पी थिएटर्स लार्ज इंडोर थिएटर्स स्मॉल इंडोर थिएटर्स ऑफ दीज यज लार्ज हिल साइड एम्पी थिएटर्स जो लार्ज हिल साइड एम्पी थिएटर्स होते थे वहाँ पर ग्रीक थिएटर्स बनाए जाते थे द कैरेक्टर ऑफ फॉल्स स्टॉप इज इम्पॉर्टेंट इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर जो कैरेक्टर ऑफ फॉल्स स्टॉप है वो शेक्सपियर की किस uh, किस प्ले में या प्लेज में इंपॉर्टेंट था सो so, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको काफ़ी सारे प्लेज में देखने को मिलेगा हैंनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हैंनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड एंड निकस ऑल ऑफ आ दी अबव सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव सो फॉल्स स्टॉप जो कैरेक्टर था वो सारे प्लेस में प्रेजेंट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स वर्स एन इंपोर्टेंट पोलिटिकल थियोरिस्ट ऑफ द यूनिसा इनमें से कौन सा जो पोलिटिकल फिगर है वो इम्पोर्टेंट पोलिटिकल थियोरिस्ट था रिनेसा पीरियड का निकोलो मैक्यवली फ्रांसिस्को पेट्राका या एरिस्टोटल या प्लेटो तो ये आपका जो राइट right आंसर है वो है ए निकोलो मैक्यवली टोटल ऑफ हाउ मेनी सोनेट्स कंस्टिट्यूट एंटायरली ऑफ एस्टोफिल एंड स्टेला जो एस्टोफल एंड स्टेला है वो सोनेट सीक्वेंट में इस सीक्वेंट में कितने सोनेट्स हैं टेन ट्वेंटी 10, वन हंड्रेड एंड एट और फोर्टी सो राइट राइट आंसर इज वन हंड्रेड एंड एट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर इज अ कॉमेडी इनमें से कॉमेडी कौन सी है रोमियो एंड जूलियट हैमलेट मच डू अबाउट नथिंग Henry 4th part first. So, your right answer is C. Much ado about nothing. According to John Milton's play, uh, sorry, Milton's work, it is an epic actually. Paradise Lost. What is Satanic tragic flaw? Just Satan's tragic flaw hai, wo kya tha? Lust, pride, jealousy, or love? So, your right answer is pride. तो यहाँ पे जो ट्रेजिक फ्लॉ था पैराडाइज लॉस्ट में सैटन का वो था आपका प्राइड फिल इन द ब्लैंक्स द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल मूवमेंट विच हिस्टोरिकन हिस्टोरियंस कॉल डैश इज वॉट लाइज इन द बेस ऑफ द पीरियड वी कॉल द दूनेसा सोशलिज्म कैपिटलिज्म ह्यूमेटेरियज्म और ह्यूमनिज्म जो इंटेलेक्चुअल एंड सोशल मीडिया सोशल मूवमेंट था रियलिज्म uh, के बेस में जिसकी वजह से रियलिज्म शुरू हुआ था वो हिस्टोरियंस किस चीज को मानते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूमनिज्ञ। यूमनिज्ञ ही वो था, वो था, था, सोशल था, जिसकी वजह से रेनेसा शुरू हुआ था फिल इन द ब्लैंक सर फिलिप सिंग डैश पब्लिकली अपोज टू प्रोजेक्टेड मैरिज फॉर क्वीन एलिजाबेथ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बुद्धिस्ट या क्वेकर

जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट फोकस अटेंशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन विच अपोजिंग एंटिटी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो आ, कौन से अपोजिट एंटिटीज में अटेंशन फोकस करता हैवन एंड हेल गॉड वर्सिस सेट इन और गुड वर्सिस इवेल ऑल ऑफ द अबव तो जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट इसमें ये सारे अपोजिट समय देखने को मिलते हैं सो योर आंसर विल बी

वो टेक्स्ट ग्रेटली पॉपुलराइज दोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड कौन सा वो टेक्स्ट है जिसने सोनेट फॉर्म को पॉपुलराइज कर दिया था इंग्लैंड में एस्टोफल एंड एस्टेला इटोपिया पैराडाइज लॉस्ट या कैंटरी टेल्स सो एज वी नो एस्टोफल एंड एस्टेला या इट वॉज इम्पोर्टेंट सोनेट सिक्वेंस विच पॉपुलराइज सोनेट इसने इंग्लैंड में सोनेट फॉर्म को काफ़ी पॉपुलराइज कर दिया था ज ऑफ ऑर्गे फेस्टिविटी होती थी कोर्ट में या जो एंटरटेनमेंट करना होता था इंग्लिश कोर्ट का वो कौन होते थे कोर्ट जेस्ट मास्टर ऑफ रेबल्स मास्टर ऑफ रेबल्स और मास्टर ऑफ सेरेमोनीस तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बी मास्टर ऑफ रेबल्स सर थॉमस मोर रोट वेमस टेक्स्ट टेक्सोफेलिस यूटोपिया द इनफर्नो पैराडाइज लॉस्ट थमस मोर का जो फेमस टैक्स है वो कौन सा है ये बहुत ईजी है यूटोपिया ऑल दो देर इज अ डिस्प्यूट अबाउट एक्चुअल इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस विद द मूव विल मेटल टाइप डैश इज द यूजली द मैन क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन जो इन्वेंशन है हाँ उस पर काफी डिस्प्यूट है प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के लिए लेकिन फिर भी हम किसको मानते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस जिसने आ, इन्वेंट की थी तो आंसर है आपका बी आ, जोहान गुटनबर्ग वन ऑन विच ऑफ द वन ऑफ ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स डिड सर थॉमस मोर फोकस इन हिज यूटोपिया थॉमस मोर थे उन्होंने जो यूटोपिया लिखी थी इनमें से कौन से टॉपिक पे उन्होंने लिखा था रिचेस ज्वेल्स या गोल्ड सुसाइड मैरिज एंड डाइवोर्स ऑल ऑफ द तो आपका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव इन सभी टॉपिक्स पे थॉमस मोर ने यूटोपिया में डिस्कशन किया था या लिखा था विच ऑफ थिएटर्स कुड बी फाउंड इन इंग्लैंड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ केम फर्स्ट केम टू थ्रोन कौन से हमें थिएटर्स देखने को मिले जब क्वीन एलिजाबेथ को थ्रोन मिला था दी कर्टिन द ग्लोब, द रोज ऑल ऑफ द अबव तो आपके जो आंसर हैं उस टाइम क्योंकि जो ड्रामा था वो अपने पीक टाइम पे था एल्जेट्सन एज में ओके और अगर हम कहें कि आ, जो ड्रामा था वो कब बंद कर दिया गया था तो प्यूरिटन एज आ, में ड्रामा को जो प्योरिटन्स थे उन्होंने थिएटर को ब्रीडर्स ऑफ लाइज कहा था और सारे शट डाउन कर दिए गए थे सो ऑल ऑफ आंसर था वट रिनेसा टेक्सट यूजेस मार्थियोलॉजी एज अ डिवाइस टू हिस्टोरसाइज द बिटवीन द ट्रू चर्च एंड द फॉल्स चर्च इन इंग्लैंड तो ये जो ट्रू चर्च और फॉल्स चर्च का कॉन्सेप्ट है कौन सा रुनेसा टेक्सट इसके लिए लिया जाता है यूपीएस पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रुगेन्ड एक्ट्स एंड मोनोमेंट्स सो आपका जो राइट right आंसर है वो है एक्ट्स एंड मोनोमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द ग्लोब थियेटर इन एलिजाबेथ इंग्लैंड ग्लोब्स थिएटर के बारे में यहाँ पर आ, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इट बर्न डाउन एंड वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड्रेड हंड्रेड ऑफ ईयर्स लेटर ये जब जलाया गया था उसके बाद लगभग ना हम कह सकते हैं कि कई सालों बाद इसको रिबिल्ड किया गया था इट वॉज़ सिचुएटेड ऑन दी थेम्स रिवर ये थेम्स रिवर पे सिचुएटेड था इट वॉज़ लिट फ्रॉम नेचुरल सन लाइट एज वेल एज बाई दी कैंडल लाइट्स और जब इसमें ड्रामाज होते थे तो इसमें नेचुरल सन लाइट और कैंडल लाइट दोनों यूज़ की जाती थी तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स क्राइस्टोफर मालो इन्फ्लुएंस ऑन विलियम शेक्सपियर वॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि जो क्राइस्टोफर मालो का जो हमें देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस शेक्सपियर पे वो बहुत ज़्यादा था इनिग्ने था थोड़ा कम था सम वट इंसिग्निफिकेंट था या इम्पॉसिबल था तो इसका जो राइट right आंसर है वो वेरी ग्रेट जैसे अगर हम उनकी ट्रेजडीज़ के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रेस्टोभा मालो से मोटिवेटेड थे इन्फ्लुएंस थे फिल इन द ब्लैंक जॉन फॉक्स वाज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू जो जॉन फॉक्स थे वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव थे किसके लिए बुद्धिस्ट के लिए एंग्लिकन के लिए क्वैकर के लिए या कैथोलिक के लिए सो योर आंसर इज कैथोलिक द कंसीट ऑफ द पेट्राकन सोनेट इन इंग्लिश ड्यूरिंग द एलिजेथन पीरियड ऑफन इन्वॉल्व दैट वट टॉपिक ड्रग्स सेक्स एनिमल्स या प्रोपागेंडा जो कंसीट यूज होती थी पेट्राकन सोनेट में उसमें कौन से टॉपिक्स यूज किए जाते थे सो योर आंसर इज बी सेक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रेट चेन ऑफ बींग जो ग्रेट चेन ऑफ बींग था इसमें कौन सी चीज कौन सा स्टेटमेंट है वो इसको डिस्क्राइब करता है इट रिगार्डेड ह्यूमन बींग एज सोशल क्रीचर्स हु कुड क्रिएट मीनिंगफुल लाइफ्स ऑनली इन एसोसिएशन विद अदर सोशल बींग्स इट्स मीज अ प्रीमाइज वॉज That every existing thing in the universe had its place in a div divinely planned hierarchical order, which was pictured as a chain vertically extended. Or third, it could only be achieved through faith in God's grace, or D, both, and C. So your right answer is B. Your great chain of being hai uska jo statement hai wo ye hai. एक बार फिर से जितने हमने अभी तक किए हैं फिर हम कुछ नए लेंगे कुछ नए एम्सक्यूज लेंगे वी विल टेक सम न्यू सो क्विकली वी विल कवर दीज ऑल और विनीसा थिंकर्स स्ट्रॉन्गली एसोशिएटेड दैमसेल्फ विद दी वैल्यूज ऑफ जो रिनीसा थिंकर्स थे उन्होंने खुद को एसोसिएट किस से किया था तो आपका जो आंसर है वो है सी क्लासिकल एंटी कुटी आप क्विकली देख लीजिए और अपना जो है एक बार रिविजन कर लेते हैं इन क्वेश्चन का ग्रीक थिएटर्स टू प्लेस वेयर जो ग्रीक थिएटर होते थे वो कहाँ होते थे तो ये है आपका लार्ज हिल साइड एम्प में नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ फॉल्स स्टॉप इज इंपॉर्टेंट इन विच प्लेस बाय शेक्सपियर जो शेक्सपियर के प्लेस थे उनमें जो फॉल्स स्टॉप थे वो कहाँ कहाँ में देखने को मिलते हैं मीन्स जो कैरेक्टर है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तो वो जो फॉल्स स्टॉप था वो सारे आ, इन तीनों वर्क्स में हमें देखने को मिलता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिगर्स वॉज एन इंपॉर्टेंट पोलिटिकल थियोरिस्ट ऑफ द रेनेसा ये रिनेसा के बहुत बड़े एक थियोरिस्ट थे वो कौन थे तो वी नो कि मैकियावली थे सो नेक्स्ट इज अ टोटल ऑफ हाउ मेनी सोनेट्स कंस्टिट्यूट दली एस्ट्रोफिल एंड एस्टेला जो सिडनी का एस्ट्रोफिल एंड एस्टेला था उसमें कितने सोनेट्स थे तो आपके उसमें नंबर ऑफ सोनेट्स थे वन जीरो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान बाय विलियम शेक्सपियर इज अ कॉमेडी इनमें से जो कॉमेडी है वो कौन सी है तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका सी मच अडो अबाउट नथिंग अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें Saturn का जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो क्या था बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको सो प्राइड प्राइड एंड है और पैराडाइज लॉस्ट भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट एपिक है फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है जो द इंटेलेक्चुअल हाँ इसमें मैं आप लोग डायरेक्ट इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ कि आपका जो रेसा पीरियड था उसके जो बेस में था वो कौन सा आ, एक मूवमेंट था जो जिसकी वजह से रिनेसा हुआ हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि रिनेसा किसका आ, किसकी वजह से हुआ तो इसमें जो आपका आंसर है वो है ह्यूमनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का द ब्लैंक्स फिलिप सिडनीस स्ट्रॉन्ग डैश कन्विक्शन मेड हिम पब्लिकली अपोज अ प्रोजेक्टेड मैरिज फॉर क्वीन एलिजाबेथ तो आपका जो आंसर है इसमें वो है बी प्रोटेस्टेंट नेक्स्ट है आपका विच ऑफ़ दॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन डोमेटिस्ट परसोन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट जो रोमियो एंड जूलियट है उसमें इनमें से कौन सा है जो नहीं मिलता है हमने पीछे देखा था जितने वर्क एंडोनिकस टीटस एंडोनिकस और अदर्स उसमें फॉल स्टॉप था इनमें नहीं था जॉन मिल्टंस पैराडाइज लॉस जो है उसमें किस किस में इसमें फोकस करता है तो होपफुली आपको ये याद होगा कि इसमें ऑल ऑफ द अबव था क्योंकि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें हमें हैवन हैल गॉड वर्सेज सेट एन और गुड वर्सेस uh, एवल सारी चीजें देखने को को मिलती हैं। आया जो है है है? इस को हमें पता है कि ये किस चीज का ट्रांसलेशन वो टेक्स्ट ग्रेटली पॉपुलराइज दॉनेट फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दल पीरियड जो एल्ज पीरियड था उसमें कौन सा सोनेट फॉर्म था जिसने कि बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था सोनेट फॉर्म को तो वो था आपका एस्ट्रोफ नेस्टेला चलिए आप कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जॉन फॉक्स वॉज डीपली डिस्कस्ट बाई द डैश एंड नॉट बिलीव दैट एनी ऑनेस्ट क्रिश्चियन कुड एक्सेप्ट बेसिस मास ट्रांस ट्रांसब एंड शन बोथ ए एंड सी तो आपका जो आंसर है वो है मास्क नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एडमिन जो एडमिनसर थे उनका पहला जो जो उनका फेमस टेक्स था वो कौन सा है पैराडाइज लॉस्ट वी नो दैट इट इज नॉट रूटन बाई हिम द्वीन दूड और केंटेज सो वी नो दैट बी इज द फेरी क्वीन इज हिज वर्क नेक्स्ट इज वट ऑल्सो फेल इन लव विद एन बॉयले बॉलियन वॉय शी वॉज मैरिड टू किंग हेनरी एट्थ ये कौन सा ऑसर था जो हैंनरी बॉलियन के प्यार में था और उसकी शादी जो थी किंग हेनरी एट्थ से हुई थी सो इट वॉज ओके हियर आर द ऑप्शन सर फ्लिप सिडनी सर थॉमस मोर थॉमस वाइट और हैंनरी हॉवर्ड अल ऑफ सरे सो योर आंसर इज थॉमस वाइट हु लार्जली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एपिक पोइट्री जो एपिक पोइट्री है उसके फादर किसे कहा जाता है होमर को दांते को वर्जिल को या मिल्टन को सो इट इज़ होमर होमर इज कॉल्ड द फादर ऑफ एपिक पोइट्री विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिक पोइट्री इनमें से कौन सा टेक्स्ट है जो एपिक पोइट्री माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट ऑडिसी द इलियट वी नो दैट बोथ आर करेक्ट सो थर्ड वन इज़ ऑल्सो एपिक ओके सो ऑल ऑफ दिल बी देंसर हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस अफेक्ट यूरोपियन कल्चर प्रिंट हॉल्टड द करप्शन ऑफ टेक्स्ट जो जो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था उसने यूरोपियन कल्चर को किस तरह से इफेक्ट किया था या उस पर क्या इम्पैक्ट डाला था प्रिंट हॉल्टेड द करप्शन ऑफ द टेक्स्ट बाय कॉपीस्ट गिविंग एवरीवन वन आइडेंटिटिकल टेक्स्ट साइंटिफिक रिसर्च बिकेम मोर Uh, collaborative effort learning to read was made easier as print was standardized and made clear all of the above. So, your answer is all of the above. William Shakespeare's Hamlet is an example of word dramatic genre. Jo Hamlet hai, unme kaunsa, uh, dramatic genre is a So, it was tragedy, comedy, romance, and satire. Uh, famous tragedy hai. ट्रेजडे सर थॉमस मोर हेल्ड विच ऑफ दोजीशन इन द इंग सर थॉमस मोर थे वो इंग्लिश कोर्ट में उनकी कौन सी पोजिशन थी चांसलर ऑफ द डी ऑफ लैंकेस्टर क्या वो चांसलर थे स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर थे हाउस ऑफ कॉमन्स में मास्टर ऑफ रिक्वेस्ट या ऑल ऑफ़ अबव तो आपका जो राइट right आंसर है ऑल ऑफ उनको ये सारी पोजीशन मिली थी एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो भी अच्छी पोजीशन पे उस टाइम होते थे वो काफ़ी सारा प्रोलफिक राइटर्स होते थे जिन्हें ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से पैटनाइज किया जाता था अ फेवरेट ऑफ क्वीन एलजबैथ फर्स्ट कौन एलजबैथ फर्स्ट का फेवरेट था

इंग्लैंड के फर्स्ट लिटरेरी सेलिब्रिटी हैं वो किसे माना जाता है जॉन डन सर वॉल्टर रॉलिफ सर थॉमस मोर या जॉन फॉक्स तो आपका जो राइट right आंसर है वो है जॉन फॉक्स जो सबसे पहले लिटरेरी सेलिब्रिटी हैं वो हैं आपके जॉन फॉक्स हु वर्ज किंग हैं एट्स फर्स्ट वाइफ जो किंग हैं एट थे उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो कौन थी तो आपका आपके ऑप्शंस है कैथरीन ऑफ एरगिन एंड पॉलियन और मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट या एनी क्लिप्स अभी हमने कुछ ही क्वेश्चंस पीछे देखा था जो हैंनरी एट थी उनकी वाइफ का नाम था एनी सॉरी कैथरीन ऑफ एरगिन जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी लेटर एनी बॉयलिन वॉज देयर इन फिफ्टीन थर्टी फोर किंग हेनरी एट वॉज डिक्लेयर हेड ऑफ चर्च जो किंगरी एट था उन्हें कौन से चर्च का हेड बना दिया गया था कैथलिक चर्च इंग्लिश चर्च द चर्च ऑफ गॉड या बोथ ए एंड बी तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बी द इंग्लिश चर्च विलियम शेक्सपियर्स हैंनरी फिफ्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड ड्रोमेटिक जैना जो हैंनरी फिफ्थ था वो कौन से जैना में आता है ट्रेजिडी कॉमेडी रोमेंस या हिस्ट्री तो आपका जो राइट right आंसर है वो हिस्ट्री क्योंकि ये हिस्टोरिकल नॉवल है हिस्टोरिकल ड्रामा है सॉरी क्वीन ऑफ इंग्लैंड अटेंडेड अ नंबर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले कौन सी वो क्वीन थी जिसने शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले अटेंड किए थे एलिजैथ फर्स्ट एलिजथ सेकेंड क्वीन एन और एन बी बॉस तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ए क्वीन एलिजैथ ने शेक्सपियर के बहुत सारे जो ड्रामा थे वो देखे थे जॉन मिल्टन ल्यूसिडास वट जेनरा ऑफ पोइट्री जो जॉन मिल्टन है उनका जो ल्यूसिटास जो वर्क है वो किस पोइट्री के जेनरा में आता है पोइट्री का कौन सा सेक्शन हम उसे मान सकते हैं पेस्ट्रल एलर्जी है है एपिक है या मॉक एपिक है एज वी नो दैट इट इज अ पेस्ट्रल एलर्जी ये आपका पेस्टोरल एलर्जी है दे वॉज ग्रेटर एम्पिस प्लेस्ड ऑन ह्यूमन पोटेंशलिटी ऑफ ग्रोथ एंड चैलेंजेस थ्रू यूरोप बायोविचिया जो ह्यूमन पोटेंशियली फॉर ग्रोन एंड एक्सेलेंस थ्रू द यूरोप बायोविचिया कौन सा वो साल था सो फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड या सिक्सटीन फिफ्टी तो ये है आपका फिफ्टीन हंड्रेड बी विल बी दी आंसर तो ह्यूमन पोटेंशियलिटी इट मीनस दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमनिजम दे आर टॉकिंग अबाउटा इन द ब्लैंक जॉन लिलीज डैश एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अपॉन इट्स ऑथरस कन जो जॉन लिली थे उनका एक वर्क है जिसने कि काफ़ी अपने कंटम्प्रेरीज़ को इन्फ्लुएंस किया था वो कौनस था यूफीएस था या पैराडाइज लॉस था यूटोपिया था या चैलोटो था तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूफी एस से यूफीज़ुम वर्ड भी आया है जॉन लिली का ही ये वर्क था

फिलिंद द ब्लैंक डैश वॉज द क्रिश्चियन थियोलॉजियन एंड ऑगस्टिनियन मॉन्क हुज टीचिंग इंस्पायर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन तो कौन थे वो जिनकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो हुआ था उसे इंस्पायर इंस्परेशन मिली थी निकोलम मैकियावोली मार्टिन लूसर जॉन मिल्टन या जॉन वाइकलिफ तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी मार्टिन लूसर दैट डॉक्ट्राइन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड सर थॉमस मोर यूटोपिया जो सर थॉमस मोर का जो यूटोपिया है वो किस डॉक्ट्राइन से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था तो आपका आपके ऑप्शनस हैं मार्क्सिज क्रिश्चन ह्यूमनिज्म फेमिनिज्म या न्यू हिस्टोरिसिज्म तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बी क्रिश्चन यूमेजम विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लेज वि बाई क्रेस्ट्रो बोमालो ये इनमें से हमें बताना है कि जो क्रेस्ट्रो बोमालो ने लिखे थे वो कौन से प्ले हैं जियो ऑफ माल्टा डॉक्टर एडवर्ड सेकेंड याबव तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ मैनीम शेक्सपियर्स प्लेज वो परफॉर्म्ड एट वट थिएटर इन एलिजेसन इंग्लैंड जो एलिजेसन इंग्लैंड है वो कहाँ शेक्सपियर के प्लेस जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे करटिन द ग्लोब द रोस या देंकर तो आपका जो राइट right आंसर है वो है द गलोव थिएटर ग्लोब थिएटर में ही जो शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ वर्कस थे वो किए जाते थे कंपेयर टू एक्नास दाइटर्स ऑफ फ्लॉरेंटाइन ह्यूमनिज्म कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनली अनसिस्टमेटिकली जो उन्होंने फॉलो uh, किया था अनसिस्टमेटिकलीस इमोशंस साइकोलॉजी ऑल ऑफ द अबव तो आपका जो आंसर है वो है बी And that is emotion. Fill in the blank. Uh, the dash was a movement that had found implications not only for the modern world in general but also for literary history. Catholic Restoration, Catholic Reformation, Protestant Reformation, or none of these. So, your right answer has C Protestant Reformation. रोट ओलेस फो जो ऑलिस फ्यूरसो है वो किसका वर्क है जॉन uh, मिल्टन का ल्यूडो विको एरिस्टो सर फिलिप सिडनी या विलियम शेक्सपियर तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ल्यूडो विको एरिस्टो फिलिंग द ब्लैंक जॉन फॉक्स वॉज डीपली डिस्कस्टेड बाई डैश यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसका आंसर है तो क्विकली हम एक बार फिर से रिविजन uh, कर लेते हैं और विजन से हमें ज़्यादा ज़्यादा याद होता है सो मास इज़ द आंसर क्विकली वी विल सी ऑल दी क्वेश्चन एडमिनस्टेंस का जो इसमें से वर्क है वो कौन सा है तो आपका आंसर है द फेरी क्वीन वट ऑथर फेल इन लव विद एन बॉलियन जो सेकेंड वाइफ थी हैंनरी एट्थ की बाद में तो हु फेल इन लव विद आपका जो राइट right आंसर है वो है सी थॉमस वाइट और who is large considered to be the father of uh, largely considered to be the father of epic poetry ये epic poetry के father इनको माना जाता है ये कौन है ये आपका A जो answer है वो है आपका Homer next हम बात करें which of the following text is an example of epic poetry इनमें से जो epic poetry है वो कौन सी है तो आपका जो right answer है वो क्योंकि ये तीनों हैं इसलिए all of the above next देख लेते हैं यूरोपियन कल्चर का जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसमें कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े हमने पिछले सेशन में इसमें पूरा इसके बारे में पढ़ लिया है तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दी अब आपको याद होना चाहिए विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो किस जनरा में आता है तो इट इज़ वेल नोन ट्रेजिडी ये बहुत ही वेल नोन ट्रेजिडी है सर थॉमस मोर जो है आ, वो इंग्लिश कोर्ट में उन्हें कौन कौन सी पोजिशन हासिल थी तो यहाँ पे वो चांसलर भी थे और स्पीकर भी थे मास्टर ऑफ रिक्वेस्ट भी थे तो ये ऑल ऑफ अब आपका ये आपका आंसर है हु बिकेम द फेवरेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ जो था वो क्वीन एलिजाबेथ का जो फेवरेट था वो कौन बन गया था और क्वीन का गार्ड भी बना था वो तो उनका नाम है सर वॉल्टर रालिफ नेक्स्ट है हु वॉज कंसिडर्ड टू बी इंग्लिश इंग्लैंड फर्स्ट लिटरेरी सेलिब्रिटी जो इंग्लैंड के फर्स्ट लिटरेरी सेलिब्रिटी हैं वो कौन बने थे तो आपका जो राइट right आंसर है जॉन फॉक्स किंग हुनरी फर्स्ट वाइफ जो फर्स्ट वाइफ थी वो कौन थी तो आपका राइट right आंसर है कैथरीन ऑफ एरिगन किंग हेनरी चर्च ये जो था किंग हैं एट इनको कौन से चर्च का हेड बनाया गया था सो so, आपका जो आंसर है वो है बी इंग्लिश चर्च विलियम शेक्सपियर्स हैंनरी फिफ्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेट ड्रोमैटिक जेंड्रा जो हैनरी फिफ्थ है वो उनमें कौन सा जेनरे का एग्जाम्पल है सो इट वॉज डी ये हिस्टोरिकल आपका है ड्रामा जो शेक्सपियर के प्ले थे उनमें उन्हें सबसे ज्यादा किसने अटेंड किया था सो योर राइट आंसर इज क्वीन एलिजथ फर्स्ट जॉन विल्टन ल्यूसिडास कौनसी जेंडरा में है तो आपका जो राइट आंसर है वो है पेस्टोरल एल एसी देर वॉज ग्रेटर इम्फिस प्लेस और ह्यूमन पोटेंशलिटी ये कब शुरू हुआ था जो ह्यूमन पोटेंशलिटी है उसके बारे में सोचना शुरू हुआ था 1400, 1500, 1600 या सिक्सटीन uh, फिफ्टी तो आपका आंसर है बी 1500 जो जॉन लिली का जो वर्क था वो उसने बाद में जो कंटम्प्रेरीज थे उनको काफ़ी इन्फ्लुंस uh, किया वो कौन सा आपका वर्क है तो आपका जो राइट वो, राइट आंसर है वो है यूफीएस जो राउनिक आइलैंड था इन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था तो वो कौन थे ऑप्शन से हैं ऑप्शन आप देख सकते हैं आपका जो राइट आंसर है वो है सर वॉल्टर रिफ वो आज क्रिश्चियन थियोलॉजियन एंड ऑगस्टियन मॉन्ग जो ऑगस्टियन मॉन्ग थे टीचिंग जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थे उनको इन्होंने मोटिवेट किया था तो आपका जो राइट right आंसर है वो है मार्टिन लूसर वट डॉक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस थॉमस मोर यूटोपिया इनमें से किसने आ, जो थॉमस मोर थे उनको काफी इन्फ्लुएंस किया था तो आपका है क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म क्रिस्टोफो मालो के इनमें से कौन से वर्क्स हैं वी नो दैट ऑल ऑफ हियर ओके okay, जो एलजबेसन जो शेक्सपियर थे उनके जो सारे प्लेस थे वो कहाँ पर परफॉर्म किए गए थे सो दीज वर परफॉर्मड इन ग्लोब थिएटर कंपेयर टू एक्विनस द राइटर ऑफ फ्लोरेंटाइन ह्यूमैनिज्म कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली अनसिस्टमेटिकली तो उन्होंने फॉलो किया था इमोशंस uh, को

एडमन स्पेंसर रोट वॉज फेमस टेक्स्ट जो एडमन डिस्पेंसर थे उन्होंने इनमें से कौन सा फेमस टेक्स्ट लिखा था तो आपका जो राइट right आंसर है वो है फेरी क्वीन वॉट ऑथर फेल लव हैव डन वन सो वी विल टेक नाउ सम न्यू क्वेश्चन फॉर हिज सिक्स मैरिजिस एंड फॉर रथलेसली प्रोसिक्यूटिंग हिस्स पोलिटिकल एनिमीज वॉयेंटली एलिमिनेटिंग ऑल द अपोजिशन चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकेंड हैं फिफ्थ या है्री एट्थ तो आपका जो आंसर है वो हैनरी एट्थ जो हैनरी थे उन्होंने अपने जो अपोजिशन थे उनको बड़े वॉलेंटली उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था अपने एनिमीज को और उनकी सिक्स मैरिजेस भी थी वट ऑथर रोट इन दोएम हु लिस्ट टू हंट हु पोएम सॉरी हुट सर फिलिप सिडनी सर थॉमस मोर थॉमस वाइट हेनरी हॉवर्ड या अफ सरे सो योर आंसर करेक्ट आंसर इज सी थॉमस वाइट वट ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ पोएट्री विद रेफरेंस टू दी हॉरोशियन डिक्टम ऑफ टू टीच एंड डिलाइट जो ये टीच एंड डिलाइट था ये हॉरोशियन डिक्टम तो उसको हम किसके रेफरेंस में देखते हैं सर थॉमस मोर सर वॉल्टर रालिफ जॉन लिली या सर फिलिप सिडनी तो आपका जो राइट right आंसर है वो है सर फिलिप सिडनी ब्लैंक जॉन वाइक चैलेंज विद आर्ग्यूमेंट्स विथ सेंचुरी लेटर वुड इको ड्यूरिंग अ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रोमन कैथोलिक एंग्लिकन बुद्धिस्ट या प्रोटेस्टेंट तो आपका जो राइट right आंसर है वो है रोमन कैथोलिक Which of the following is an important component of John Fox's Matriology? So, materialology ka jo important component tha wo kya tha? Topka answer hai epigrams. Stephen Greenblatt's work on the Renaissance is best described by what theoretical paradigm Marxism, feminism, new historicism, psychoanalysis. तो आपका जो स्टीफन ग्रैंड ब्लैट्स का वर्क था रिनेसा पे वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किस थियोरटिकल पैराडाइम को तो आपका जो आंसर है वो है सी न्यू हिस्टोरिसिज्म विच राइटर स्पेंड मोर देन ट्वेल्व ईयर्स द टावर ऑफ लंडन कौन सा वो राइटर है जिसने अपने बारह साल टावर ऑफ लंडन में गुजारे थे सर थॉमस मोर सर वॉल्टर आलिफ सर फिलिप सिडनी या जॉन मिल्टन आपका जो राइट right आंसर है वो है सर वॉल्टर आइलिफ सर वॉल्टर आइलिफ ने 12 साल अपने जो इम्रिजन में गुजारे थे टावर ऑफ लंडन में अकॉर्डिंग टू मेनी ब्रिटिश रोमांटिक पॉइट हु इज़ पोटेगनिस्ट ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो रोमांटिक पॉइट हैं क्रिटिक हैं उनके अकॉर्डिंग जो पोटेग्निस्ट है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट का वो कौन है सेटन है एडम है ईव है या क्राइस्ट है तो जो आंसर है आपका राइट right, वो है सेटन ग्रीक थिएटर वॉज ऑफन ऑफ वर्ड जेनरा जो ग्रीक थिएटर होते थे वहां पे ज्यादातर कौन सा जनर हमें देखने को मिलता है ट्रेजिडी थी कॉमेडी कॉमेडी थी रोमेंस थी ए और बी ओनली तो आपका जो आंसर है वो है ए एंड बी ओनली इसे एक बात देख लेते हैं ग्रीक थिएटर जो थे वो ट्रेजिडी एंड कॉमेडी वहाँ पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी एडमन स्पेंसर वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच राइटर्स एपिक पोइट्री जो एडमन स्पेंसर थे वो डायरेक्ट किससे इन्फ्लुएंस हुए थे और कौन सी वो एपिक पोइट्री थी मिल्टन वर्ड वर्थ एरिस्टोटल बोस ए एंड बी तो जो एडमन स्पेंसर थे वो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो हुए थे एरिस्टोटल से

सर थॉमस मोर या जॉन फॉक्स तो आपका जो राइट right आंसर है वो है जॉन लेली पेट्राकन सोनेट इज कंपोज ऑफ हाउ मेनी लाइन्स जो पेट्राकन सोनेट है वो कितने लाइन्स में कंपोज होता है नाइन टेन ट्वेल्व या फोर्टीन तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका फोर्टीन फिल इन द ब्लैंक्स जॉन फॉक्स एम्बिगस एटीट्यूड टूवर्ड्स द एलिजाबेथन चर्च वॉज जो उनका जॉन फॉक्स का एम्बिगस एटीट्यूड था एलिजाबेथन चर्च के लिए वो था अनटिपिकल नॉट अनटिपिकल एक्सप्लोर रिजेक्टेड तो आपका जो राइट right आंसर है वो है नॉट अनटिपिकल टिपिकल चूज द बेस्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग एपिक पोइट्री एपिक पोइट्री के बारे में इनमें से कौन सा सही है एपिक पोएट्री इज ऑफ अ मॉरल नेचर एंड द प्रमोशन ऑफ द टेल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ एपिक पोएट्री ऑल ऑफ द आंसर आर ट्रू बोथ एन ए एंड बी आर ट्रू तो आपका जो राइट right आंसर है वो है डी ए एंड बी बोथ आर ट्रू मीन्स कैंटरबरी टेल जो है वो एपिक पोएट्री का एक एग्जाम्पल uh, है और एपिक पोएट्री जो होती है वो एक मॉरल नेचर की होती है और प्रमोशन ऑफ वर्च्यू के लिए लिखी जाती है डॉटर ऑफ हेनरी एट्स हैंनरी एड्स की जो डॉटर थी वो कौन थी एंड एन बोल बोलियन ऑल्सो रेन एज क्वीन ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम फिफ्टीन एटी एट टू सिक्सटीन जीरो थ्री एलिजाबैथ फर्स्ट एलिजाबैथ सेकेंड मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट और कैथरीन ऑफ एरगन तो ये है आपका फर्स्ट एलिजाबेथ फर्स्ट चूज द बेस्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो आउट एजेस इंग्लिश ड्रामा लाइक दैट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज वाज मेनली डैश एंड डैश साइकोलॉजिकल सेक्सुअल रिलीजियस डायडेक्टिक इमोशनल साइकोलॉजिकल ऑफ दिस तो आपका राइट आंसर है बी Religious and didactic. Fill in the blanks. Martin Luther nailed his dash to a church door in Witten, Wittenberg, accusing the Roman Catholic Church of hearsay upon heresy. So, heresy. Paradise lost 95 theses, the Bible, or Pierce Plowman. so answer is first a paradise lost fill in the blank john lilly's style is the best described at जो jo john lilly थे उनका जो style है उसे किस नाम से जाना जाता है anachronistic euphuistic marxist या solipsistic तो आपका जो right answer है euphuistic है और ये जो उन्होंने work लिखा था euphuism यूफियस उसी से यूफियजम वर्ड निकला था और टर्म निकला था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक इज अ फेमस शेक्सपियर स्कॉलर जो इनमें से कौन सा क्रिटिक है जो फेमस शेक्सपियन स्कॉलर था एम एच अब्राहम स्टीफन ग्रीन ब्लैट हैलन वेन सी बोस तो आपका जो राइट right आंसर है वो है पी स्टीफन ग्रीन प्लेट जो स्किन स्टीफन ग्रीन प्लेट था वो फेमस शेक्सपियरन स्कॉलर था द वर्क ऑफ जॉन फॉक्स वॉज नो लॉन्गर रेड और हेडेड इन एजुकेटेड सर्कल आफ्टर विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट रेस्टोरेशन ग्लोरियस रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवल्यूशन सेवन ईयर्स वॉर तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन

Fill in the blank the economic analysis of the poverty was advanced by dash in the 14th century Petrarch Dante Langland or Machiavelli so your answer is langland Christopher Marlowe Faustus is an example of what dramatic genre romance satire comedy or tragedy so this is ट्रेजडी अ फेमस ट्रेजडी बाय मार्लो मार्टिन लूथर्स ट्रांसलेन ऑफ वॉट टेक्सट हेल्प टू डिप स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड एडेट सेवरल प्रिंसिपल टू दर्ट ऑफ ट्रांसलेन पैराडाइज लॉस्ट कंटेपरेट दाइबल पियर्स प्लोम तो आपका जो राइट आंसर है वो है द बाइबल किंग डैश वॉज सिक्स मैरिजेस को कौन सा किंग है थोड़ा सा आप रिविजन कर लेते हैं फिर से रिविजन से हमें ज़्यादा याद रहता है चीजें तो सिक्स मैरिजेस करने वाला जो किंग था वो कौन था तो आपका जो राइट आंसर है वो है हेनरी एट्थ ऑथर हु टू हु, हंट तो ये किसकी पोइम है तो ये है आपकी सी थॉमस वाइट की आप फटाफट चेक कीजिए कि आपको कितने याद हैं वट ऑथर डिफाइन फंक्शन ऑफ पोइट्री टू टीच एंड टीच एंड किसने सबसे पहले यूज किया था तो वो था आपका फिलिप सिडनी नेक्स्ट आपका है इसमें हमें इन द ब्लैक्स करना है जॉन वाइकलिफ चैलेंज नंबर ऑफ डैश डॉक्टर तो जॉन वाइकलिफ ने कौन से डॉक्टराइंस को चैलेंज किया था तो वो था आपका रोमन कैथोलिक नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन दम्पोनेट ऑफ जॉन जॉनस मॉटियोलॉजी माइट्रोलॉजी जो माइट्रोलॉजी था जॉन uh, फॉक्स का इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज थी तो वो था आपका एपिग्राम नेक्स्ट इज स्टीफन वर्क द रोनेसा इज बेस्ट डिस्क्राइब विच वर्ट थियोर पैराग्राम जो रोनेसा है वो किस पैराडाइम के से डिस्क्राइब किया गया था तो वो है आपका सी न्यू स्टॉरसिज्म नेक्स्ट आपका जो था क्वेश्चन वह था स्पेंड मोर देन इन्होंने ट्वेल्व ईयर्स अपने जेल में बिताए थे टावर ऑफ लंडन में तो आप लोगों को इसमें बताना है तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी सर वॉल्टर रालिफ अकॉर्डिंग टू मैनी ब्रिटिश रोमेंटिक्स पोइट्स हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो प्रोटैगनिस्ट हैं जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के वो कौन थे ज़्यादातर रोमांटिक पॉइट यही मानते हैं तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ए सैटन सेटन को प्रोटेक्निस्ट माना जाता है ग्रीक थिएटर जो होते थे उनमें ऑफन हमें कौन कौन से जेनरा देखने को मिलते थे तो उसमें थे ट्रेजिडी और कॉमेडी इसका मतलब है कि हमारा जो डी है वो राइट right आंसर होगा एडमिन स्पेंसर वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच राइटर्स एपिक पोइट्री जो एडमिन स्पेंसर थे वो किस एपिक पोइट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे तो आपका जो राइट right आंसर है वो है एरिस्टो एरिस्टोटल नेक्स्ट एज द डिस्टिंगशन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजिडी ये आपका विच कैरेक्टराइज क्लासिकल ड्रामा वॉज फर्स्ट फॉगटन ड्यूरिंग वट पीरियड ऑफ इंग्लैंड कब इसको फॉगटन किया गया था मिडिबल पीरियड में तो ओके okay, आपका जो आंसर है वो है आपका मिडिवल पीरियड नेक्स्ट देख लेते हैं इन uh, फिफ्टीन एटी थ्री में एक प्लेरिट थे विच प्लेट बिकेम द कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट ब्लैक फ्रायर्स थिएटर अलॉन्ग डायरेक्टर विलियम हनीस तो ये आपका ये कौन बने थे तो ये थे आपके जॉन लेली अभी हमने देखा था होपफुली आपको ये सारे याद होंगे पैटर्कन सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं तो इससे आपको पता होना चाहिए कि फोर्टीन लाइन्स होती हैं हमने अभी इसको प्रैक्टिस की थी फिल इन द ब्लैंक्स जॉन फॉक्स एम्बिगस एटीट्यूड टूवर्ड्स एज चर्च वॉर्स अनटिपिकल नॉन अनटिपिकल तो आपका जो बीस था वो था नॉट अनटिपिकल इसके बाद है कि बेस्ट आंसर आपको चूज करना है किसके कंसर्निंग में आपको एपिक पोएट्री के बारे में इसमें चूज करना था कि कौन सा बेस्ट आपका डिस्क्राइब करता है तो कंटेल्स एक एपिक पोइट्री है और जो एपिक पोइट्री होती है वो मॉरल वर्ज को टारगेट करती है उसको प्रमोट करती है नेक्स्ट है आपका हु वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी एट्थ एंड एन बोलियन जो हेनरी एट्थ और एन बोलियन की वो डॉटर थी और उन्होंने एज़ अ क्वीन जो शासन किया था इंग्लैंड पर फिफ्टीन एटी फिफ्टीन फिफ्टी एट से सिक्सटीन जीरो थ्री तक शेक्सपियर के टाइम पे तो आप लोगों को बताना है वो कौन थी वो थी आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट ये एन बोलियन और हेनरी एर्थ की बेटी थी और जो एन बोलियन थी. थी वो कौन सी कौन थी वो सेकंड वाइफ थी किसकी हेनरी एट्थ की ध्यान आपको ये रखना है हेनरी एट्थ ने काफी सारी शादियाँ की थी चूज द बेस्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स आउट द मिडिल एजेस इंग्लिश ड्रामा लाइक दैट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज वॉज मेनली डैश एंड डैश तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट है ये आपका रिलीजियस और टैडेक्टिक जो मिडिल एजेस थी ठीक है आपको ध्यान रखना है कि जो मिडिल एजेस थी उसमें जो इंग्लिश ड्रामा था वो कैसा था रिलीजियस था और डायडेक्टिक तो डायडेक्टिक कौन सा ड्रामा होता है ये होता है आपका रिलीजियस जिसमें कि मॉरल कुछ सिखाया जाता है उसे हम डायडेक्टिक ड्रामा कहते हैं यहां पे आपको बताना है कि जो मार्टिन लूथर था उसने आ, अपना एक मार्टिन लूथर चर्च डोर इन विटनबर्ग जो विटनबर्ग में था तो उन्होंने कुछ लिखवाया था वो क्या था वो था आपका

Uh, कुछ सॉफ़्ट वर्ड्स यूज करते हैं जैसा कि वो मर गया तो हम बोल सकते हैं ही पास्ट अवे तो वो गुजर गए तो इस तरह से जो स्टाइल होता है थोड़ा सॉफ्ट हम बना देते हैं हार्श वर्ड की जगह इसमें जो हम हमें बताना है वो ये है कि कौन वो एक फेमस शेक्सपियन स्कॉलर था वो शेक्सपियन स्कॉलर जो कि जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज था शेक्सपियर के बारे में और वो स्टडी करते थे शेक्सपियर को तो हमारा जो आंसर है वो है स्टीफन ग्रेन ब्लैट The work of John Fox was no longer read or headed in educated circles after which major historical events. So, Restoration, Glorious Revolution, French Revolution, Seven Years' War. So, answer hai, wo hai, Glorious Revolution. Next, hai fill in the blanks. From being narrowly focused on the achievement of North italian Italians in the Dash. एंड अर्ली डेस्ट सेंचुरीज ऑफ रोनेसा इज नाउन सीन इन अ फार वाइडर कॉन्टेक्स तो वाइडर कॉन्टेक्स में हमें कब मिलता है रोनेसा तो so, आपका जो आंसर है वो है फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेंचुरी द इकोनॉमिकिस ऑफ द पोवर्टी वॉज एडवांस्ड बाई जो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पोइट्री थी वो एडवांस की गई किसके द्वारा पेट्राक दान्ते लैंगलैंड या मैली तो so, आपका जो आंसर है वो है लैंगलैंड Christopher Marlowe's Faustus is an example of what dramatic genre? Jo Christopher Marlowe's Faustus is a very famous uh, tragedy. Hai. Uh, so, answer will be tragedy. Martin Luther's translation of what text helped to develop a standard version of the German language and added several principles to the art of translation. Paradise Lost, Canterbury Tales. बाइबल एंडलोम तो आपका जो आंसर है वो है आपका तो आप बताइए कौन सा होगा तो ये था आपका हैनरी एट्थ हेनरी एट्थ के बारे में हमने दो तीन चीजें देखी थी जो इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था बॉलियन तो जो, जो बॉलियन थी और हेनरी थे इनकी जो बेटी हुई थी वो कौन थी वो थी आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए तो ये यहां तक हमने इनका जो कर चुके हैं अब हम कुछ नए वर्ड्स नए क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बताना है कि जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन थे वो किसे कहा जाता है तो ऑप्शन है आपके जॉन डन जॉन ड्राइडन जॉन वाइक्लिफ और जॉन गुटन दोबारा से हम इनको बाद में करेंगे तो आप लोग ध्यान से आंसर्स देखिए सी है जॉन वाइक्लिफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिमेन अ फॉर्म बिलीवर ऑफ द रॉयल सुप्रीमेसी जो फॉर्म बिलीवर थे रॉयल सुप्रीमेसी के वो कौन थे जॉन लॉक जॉन लिली जॉन फॉक्स और जॉन मिल्टन तो आपका है आंसर सी जॉन फॉक्स तो जॉन फॉक्स के बारे में ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि काफी बार ये नाम आ चुका है आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था तो जो रॉयल सुप्रीमेसी में जिनका बहुत ज़्यादा विश्वास था वो आ, कौन थे तो वो थी आपकी जॉन फॉक्स द विजन ऑफ द ट्वेल्व गुड गॉडेसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रोमैटिक जेनरा तो ये जो था ये वर्क ये किस जेनरा में आता है मास्क सटाया बर्लिस्क या आ, ट्रेसिटी तो आपका जो राइट right आंसर है वो है मास्क किंग हेनरी एट्थ अडोप्टेड वॉट रिलीजन जो किंग हेनरी एट्थ थे उन्होंने कौन सा जो रिलीजन था उसे अडॉप्ट किया था कैथोलिसिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म बुद्धिज्म या रोमन कैथलिज्म तो आपका जो आंसर है वो है बी फाउंडेशन स्टोरी ऑफ वोइम इज द जेनेसिस अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ एडम एंड ईव कलमिनेटिंग इन द ड्रामा ऑफ टेम्पटेशन एंड फॉल टेल्स द फेरी क्वीन पैराडाइज लॉस्ट या दूर तो आपका जो आंसर है वो है पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक ऑल दो सर फिलिप सिडनी इज राइटिंग टू हंड्रेड इन बिफोर दूशन एज प्रेजेंट अ वेरी इन्वॉल्ड एंड सेल्फ एबजॉर्ब नेटर इन एस्टोफल एंड स्टेला मीडियोल विक्टोरियन रोमांटिक या नन ऑफ अब तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वो होगा रोमांटिक अब यहाँ पे बात आती है कि हम एस्ट्रोफेल एस्टेला को रोमांटिक वर्क में ला रहे हैं बहुत सारे पूछते हैं कि जो एजेस होती हैं वो उनको हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए तो इसमें एक सिंपल सा एक चीज़ आती है कि जब भी हम एज की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर एज को हम क्वालिटीज़ उसके बारे में स्टडी करें और जो एस्ट्रोफेल एस्टेला थी वो रोमांटिक इस वे में थी क्योंकि वहाँ पर फ्री एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है तो जहाँ पे फ्री एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे रोमांटिक उसे हम लिटरेचर कहेंगे और अगर फ्री लिटरेचर नहीं होगा अगर रूल बाउंडेड कोई चीज होगी अगर हम देख रहे हो कि क्लासिक चीजों को एग्जाम्पल लेके कोई चीज़ लिखी जा रही है रूल बाउंड कोई चीज़ है तो उसे हम क्लासिक वर्क कहते हैं और क्लासिक का उल्टा होता है रोमांटिक चीज तो रोमांटिसिज्म क्लासिसिज्म का उल्टा है यही आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है तो जो एस्ट्रोफेल एन स्टाइल स्टाइला था वो टू हंड्रेड पहले लिखी गई थी बट फिर भी वो उसमें रोमांटिसिज्म हमें देखने को मिलता है ट्रेजिडी और कॉमेडी तो ये होता है आपका मास्क तो यहाँ से आपको मास्क की बहुत अच्छी एक डेफिनेशन आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल सकती है

एक ट्राइमीटर कर्जर आय पेंटामीटर या एनापिस्ट पेंटामीटर तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी आइम्बिक पेंटामीटर फिल इन द ब्लैंक द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द डैश इज इन इंग्लैंड वॉज ओवर रिलीजन है नो प्रस्टेंट नन ऑफ दिस तो आपका जो आंसर है वो है सी सो इट वॉज ट्यू ड जॉन लिलीज वर्क सिग्निफिकेंटली शेप्ड द राइटिंग ऑफ विच फेमस राइटर जो जॉन लिली थे उनका उनके जो वर्क थे उन्होंने किस राइटर को फेमस राइटर को शेप किया था मीन्स उसे मोटिवेट किया था लिखने के लिए विलियम ब्लेक आ, विलियम वर्जवर्थ एस टी कॉलरेज या विलियम शेक्सपियर तो आपका जो आंसर है विलियम शेक्सपियर एक्चुअली जो विलियम शेक्सपियर थे उनका यूनिवर्सिटी विट्स आ, का उन पर बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था अगर आपको यूनिवर्सिटी वर्ड्स याद नहीं होते हैं तो आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं पी जी के एल एम एन ऑल राइट तो इससे आप इस शॉर्टकट से आप यूनिवर्सिटी वर्ड्स को याद रख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक प्रायर टू द राइज ऑफ द फेम ट्रेजिडियन ऑफ द लेट फिफ्टीन एडीज द हेड लाइनर्स ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज क्लाउंस वुमेन पॉलिटिशियन या पेंट तो आपका जो राइट right आंसर है वो है एक्सेप्ट इनमें से जो है वो शेक्सपियर का प्ले नहीं है बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना द दस्ट या फॉस्टर्स तो आपका जो आंसर है फॉस्टर्स ये आपका मार्लो ने लिखा था वट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द एग्जैंपलरी स्टोरी एट एज अ फंडामेंटल नेरेटिव यूनिट इन विच इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जॉन फॉक्स जॉन लेली सर थॉमस मोर या सर वॉल्टर रॉलिफ तो आपका जो राइट आंसर है वो है जॉन फॉक्स वनरा ऑफ प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट उन्होंने कौन कौन से जोनर में लिखा था शेक्सपियर ने तो ट्रेजिडीज कॉमेडीज या ऑल ऑफ़ द याबव तो हम एज वी नो दैट ही रोट ऑल ऑफ द अबीज कॉमेडीज एंड रोमें हु इंट्रोड्यूस्ड द इटालियन सोनेट टू द ब्रिटिश आइल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हैं एट्स थॉमस वाइट हैंनरी हार्वर्ड आल ऑफ सरे जॉनडन बोथ ए एंड बी तो आपका जो आंसर है वो है आपका डी ए एंड बी सो थॉमस वाइट एंड हैनरी हार्वर्ड अल ऑफ सरे दोनों के दोनों इटालियन सॉलिटियर थे और ये वॉइजर्स भी थे ट्रेवलर भी थे विच okay. ऑफ uh, controversial आइडिया सराउंडेड द लाइफ एंड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर जो विलियम शेक्सपियर थे उनके uh, कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सियल बातें उनकी लाइफ में थी द आइडिया ऑफ विलियम शेक्सपियर नेवर लिफ्ट कि एक आइडिया ये भी है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो कभी थे ही नहीं और वो विलियम शेक्सपियर कैथोलिक और विलियम शेक्सपियर जो थे वो कैथोलिक थे तो इनमें बोला जाता है कि ये दोनों के दोनों आइडियाज शेक्सपियर के बारे में माने जाते हैं जॉन लिली बिकेम इंस्टेंटली फेमस विद द पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट उनका बहुत ही फेमस टेक्स्ट था इसके बारे में काफी बार किसी सेशन में हम बात कर चुके हैं थीसिस नाइन थीट लॉस्ट तो बुक ऑफ मार्टियर्स जॉन फॉक्स तो ये बुक ऑफ मार्टियर्स आप लोगों को अब याद हो गया होगा काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जॉन फॉक्स प्रोवाइड्स आ रिकॉर्ड ऑफ ऑल नॉन क्रिश्चियंस मार्टियर्स आउट हिस्ट्री फोकस सिंग ऑन दर्सिक्यूशन ऑफ पीपल प्रैक्टिसिज्म रोमेंटिक रोमन कैथोलिसिज्म या बुद्धिज्म तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ई e, प्रोटेस्टेंटिज्म उनको परसिक्यूट किया गया था बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट uh, uh, लोग थे अगर आपको नहीं पता तो वहां पर क्या था कि इंग्लैंड में जो शुरुआत हुई थी वो कैथोलिक जो था वो थे और जो कैथोलिक के अगेंस्ट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्हीं को प्रोटेस्ट कहा जाता था फिल इन द ब्लैंक डैश इज रिमेंबर्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन चलिए अब फटाफट हम इनको एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं फिर हम कुछ नए क्वेश्चन लेंगे तो आपको बताना है कि इसमें रिफॉर्म मॉर्निंग रिफॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता था तो आपको पता है कि वो है आपकी जॉन वाइक्लिफ जॉन वाइक्लिफ आपका आंसर है क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर आपका रॉयल सुप्रीमेसी जो बिलीव करता था वो कौन था तो रॉयल सुप्रीमेसी जॉन फॉक्स थे वो बिलीव करते थे रॉयल सुप्रीमेसी में नेक्स्ट आपका विजन ऑफ द गुडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रोमेटिक जेनरा ये किस ड्रोमेटिक जेनरा में आते हैं तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका मास्क नेक्स्ट देखते हैं हैंनरी एट्थ अडोप्टेड रिलिजन इनका जो रिलीजन था वो कौन सा था तो बी आपका आंसर है प्रोटेस्टेंटिज्म फाउंडेशन स्टोरी वट पॉइंट इज जेनेसिस अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द एडम ईव दल इन द ड्रामा ऑफ देयर टेम्पटेशन एंड फॉल तो इसमें हमें सिंपली हमें पता है कि ये पैराडाइज लॉस्ट है आपका जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ टू हंड्रेड ईयर्स बिफोर फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था जो स्टिल आज भी क्या माना जाता है वो माना जाता है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो थी वो उस वर्क को रोमांटिक माना जाता है रोमांटिक क्यों माना जाता है क्योंकि उसमें फ्री एक्सप्रेशन की बात हमें देखने को मिलती है जो फ्री एक्सप्रेशन वाली बातें होती हैं वो रोमांटिसिज्म में आती हैं जहाँ पे हमें रूल बम्प्ड बातें आती हैं कि किसी चीज़ को किस तरह से लिखा जाना चाहिए रूल अगर हम बहुत ज्यादा रूल बम्ब कहते हैं इसीलिए जब हम बात करते हैं कि विलियम वर्ट वर्स की जो थ्योरी थी उन्होंने कहा था कि कॉमन आदमी के जो आ, वो जो ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग है ओके okay, जो नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग है वही पोइट्री है ओके okay, बट जो क्लासिक होती हैं वो बहुत सारे रूल बम्ब होते हैं तो अडैश वॉज स्पेक्ट स्पेक्टिकल परफॉर्मेंट एट कोर्ट ऑफ द मैनर ऑफ अ में नोबलि मेंबर ऑफ नोबिलिटी एंड वाज स्टेट टू ग्लोरिफाई द कोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिस्टोक्रेट तो किसी पर्टिकुलर एरिस्टोक्रेट को हम जब ग्लोरिफाई करने के लिए कोई एक ड्रामा टाइप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं मास्क तो मास्क किस लिए होता है एक पर्टिकुलर एरिस्टोक्रेट को ग्लोरीफाई करने के लिए, लिए लिखा जाता है यहाँ पर है रोमेंस क्लासिकल स्ट्रक्चर एंड फेस्टिव एलिमेंट हैड ऑलरेडी बिगन टू कम टूगेदर इन ड्रामा वैन वॉट ऑथर ऑफ बिगिन राइटिंग तो ये था आपका डी शेक्सपियर जब शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया तो सारी चीजें रोमांस क्लासिकल स्ट्रक्चर एंड फेस्टिव एलिमेंट्स सारी चीजें साथ में हमें ड्रामा में देखने को मिल गई थी जी यहाँ पे हमारे पास पेट्राकन सोनेट टिपिकली कंपोज्ड इन वट फॉर्म ऑफ मीटर जो किस फॉर्म ऑफ मीटर में हमें आ, जो पेट्राकन सोनेट होता है वो देखने को मिलता है तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आई एम ग्रेटेस्ट इंस इंस्टोडक्शन नेक्स्ट जॉन लिली का कौन सा आ, किस पर कौन सा वो राइटर है जिस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था तो वो है आपका डी विलियम शेक्सपियर तो विलियम शेक्सपियर को आ, हमें पता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनका जो यूनिवर्सिटी वर्ड्स थे जैसे मार लो के बहुत सारे वर्क्स ऐसे होते हैं कि ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने उन्हें कॉपी किया था प्रायर टू द द राइज ऑफ ऑफ फेम लेट द ग्रेट हेडलाइनर्स ऑफ द एलिजे स्ट्रीट तो कौन थे वो थे आपके क्लाउन्स शेक्सपियर का इसमें से कौन सा प्ले नहीं है तो हमें पता है कि टेम्पेस्ट टेल और जे, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर के प्ले हैं फर्स्टस्ट विल नॉट बी देयर तो यहां पर अगर हम ऑथर स्पीक्स ऑफ एक्सम्पलरी स्टोरी फंडामेंटल नेरेटिव यूनिट इन विच इज इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो ये जॉन फॉक्स वट जनरल शेक्सपियर राइट हमें पता है कि ऑल ऑफ दीज कॉमेडीज एंड रोमेंस सारे उन्होंने लिखे थे हु इंट्रोड्यूस द इटालियन सोनेट ये जो था इटालियन सोनेट जो था वो इटालियन ट्रेवलर्स दो इटालियन ट्रेवलर्स थे जो कि किंग हेनरी एट्थ के टाइम में वहां पर आए थे तो वो कौन कौन थे तो आपका जो आंसर है वो है आपका थॉमस वाइट एंड हेनरी हार्वर्ड ऑल ऑफ सरे दोनों के दोनों इसका आंसर होंगे विच ऑफ कंट्रोवर्शियल आइडिया तो शेक्सपियर के बारे में कौन से दो कंट्रोवर्शियल आइडिया थे तो आपका जो राइट right आंसर है द दैट ही नॉट लिव कि शेक्सपियर था ही नहीं और दूसरा यह है कि शेक्सपियर कैथोलिक थे जॉन लिली बिकेम इंस्टेंटली फेमस विद पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट जो जॉन uh, लिली थे उनका कौन सा टेक्स्ट फेमस ने उन्हें फेमस कर दिया था तो वो थे आपके यूफियस इन द बुक ऑफ मारिया जॉन फॉक्स प्रोवाइड्स a रिकॉर्ड ऑफ ऑल known क्रिश्चियन मार्टियर्स आउट हिस्ट्री फोकसिंग ऑन the persecution ऑफ़ पीपल प्रैक्टिसिंग विच religion. तो कौन सा वो रिलीजन था जिसके लिए तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको ये ध्यान रखना कि पहले लोग ज़्यादा कैथोलिक थे जो ब्रिटेन था उसमें क्या था कैथोलिसिज्म चल रहा था तो जब लोगों ने कैथोलिक चर्चेज में जो करप्शन चल रहा था राइट वो बहुत वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे बहुत मजे कर रहे थे तो उससे क्या हुआ कि लोग थोड़े दुखी हुए और उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया और अपना एक प्रोटेस्टेंट एक नया रिलीजन शुरू कर दिया था तो उन्हीं को बार बार प्रोसिक्यूट किया जा रहा था जगह जगह उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था इससे आपको याद रहेगा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वही प्रोटेस्टेंट बन गए और फिर वही दो अब वहाँ पे क्या हो गए क्रिश्चियन में दो धर्म हो गए वहाँ पे रिलीजन हो गए एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हो गए और कैथोलिसम हो गए तो कैथोलिक जो थे वो ज़्यादा थे मीन्स uh, पहले से उनके पास पावर थी तो प्रोटेस्टेंट लोगों को क्या किया जाए बार बार uh, प्रोसिक्यूट किया गया था इज रिमेंबर्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हमें पता है जॉन वाइकलिफ अब हम कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं